ऊपर से देखने पर शनि सिंगणापुर भारत के किसी भी दूसरे गांव जैसा ही दिखता है। हरे भूरे रंगों में रंगे हुए खेत दूर तक फैले हुए हैं और एक नदी इस नजारे के बीच से बहती है। लेकिन इस गांव में कुछ अलग है। हरे भूरे रंगों में रंगे हुए खेत दूर तक फैले हुए हैं। यह दृश्य बहुत ही शांतिपूर्ण और सुंदर है, जो किसी भी ग्रामीण भारतीय गांव की तरह प्रतीत होता है। एक नदी इस नजारे के बीच से बहती है। यह नदी गांव के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो यहां के लोगों की जीवन शैली को दर्शाती है। लेकिन इस गांव में कुछ अलग है। जैसे जैसे आप नजदीक आते हैं, आपको यह दिखाई देता है। जैसे जैसे आप नजदीक आते हैं, आपको यह दिखाई देता है। यहां के घरों में एक जरूरी चीज नहीं होती, दरवाजे। घरों में एक जरूरी चीज नहीं होती, दरवाजे। यह बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन यह इस गांव की सबसे बड़ी विशेषता है। महाराष्ट्र राज्य में बसा शनि सिंगणापुर अटूट आस्था का प्रतीक है। यहां के लोग भगवान शनि की दिव्य सुरक्षा में विश्वास करते हैं। यह एक ऐसा गांव है जहां घर और दुकानें खुले हुए हैं, जो असुरक्षित लगते हैं, लेकिन डर नहीं। यहां के लोग बिना दरवाजों के भी सुरक्षित महसूस करते हैं। गांव वाले न्याय और कर्म के देवता भगवान शनि की दिव्य सुरक्षा में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि भगवान शनि उन्हें चोरी और नुकसान से बचाते हैं। उन्हें भरोसा है कि वह उन्हें चोरी और नुकसान से बचाते हैं। यह विश्वास ही इस गांव की सबसे बड़ी धी ताकत है। इस अनोखी परंपरा ने शनि सिंगणापुर को प्रसिद्ध बना दिया है। पूरे भारत और दुनिया से लोग आस्था के इस असाधारण प्रदर्शन को देखने आते हैं। वे यहाँ के लोगों की आस्था और विश्वास को देखकर अचंभित रह जाते हैं। वे गांव के इतिहास और भगवान शनि के साथ उसके अनोखे रिश्ते के बारे में जानने आते हैं। यहाँ का हर कोना भगवान शनि की महिमा और गांव वालों की अटूट आस्था की कहानी कहता है। भगवान शनि हिंदू मान्यताओं में एक शक्तिशाली देवता है। वे नव ग्रहों में से एक है, जो हमारे जीवन और भाग्य को प्रभावित करते हैं। उन्हें अक्सर कौवे की सवारी करते, जो उनके वाहन के रूप में जाना जाता है, तलवार लिए हुए और कठोर निगाहों से देखते हुए दिखाया जाता है। उनकी यह दृष्टि उनके अनुयायियों के लिए एक चेतावनी है। वे न्याय, अनुशासन और किसी के कर्मों के परिणामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके अनुयायी मानते हैं कि भगवान शनि हर व्यक्ति के कर्मों का हिसाब रखते हैं। लोग उनका सम्मान करते हैं और उनसे उतना ही डरते भी हैं। उनकी पूजा में श्रद्धा और भय दोनों का मिश्रण होता है। शनि सिंगणापुर में भगवान शनि केवल पूजे जाने वाले देवता नहीं हैं। यहां उनकी उपस्थिति हर जगह महसूस की जाती है। उन्हें गांव का रक्षक, यहां के लोगों का रक्षक माना जाता है। उनकी उपस्थिति गांव के हर कोने में महसूस की जा सकती है। गांव वालों का मानना है कि उनकी सतर्क निगाहें सब कुछ देखती हैं। वे मानते हैं कि भगवान शनि की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। उनका मानना है कि जो कोई भी गांव में अपराध करने की हिम्मत करेगा, उसे वह दंडित करेंगे। इस विश्वास ने गांव को अपराध मुक्त बना दिया है। यह विश्वास ग्रामीणों में इतना गहराई से समाया हुआ है कि उन्हें दरवाजों की जरूरत महसूस नहीं होती। उनके घर और दुकानें बिना दरवाजों के ही सुरक्षित रहती हैं। वे भगवान शनि की सुरक्षा पर भरोसा करके अपने घर और दुकानें खुले छोड़ देते हैं। यह विश्वास उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। यहां तक कि कीमती सामान भी बिना रखवाली के छोड़ दिए जाते हैं। यह विश्वास और सुरक्षा की भावना गांव के हर व्यक्ति में देखी जा सकती है। गांव वालों का कहना है कि शनि सिंगणापुर में आज तक कभी चोरी नहीं हुई। यह गांव भगवान शनि की कृपा और उनकी सतर्क निगाहों के कारण सुरक्षित है। यहां के लोग भगवान शनि के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को हर दिन प्रकट करते हैं। त्योहारों और विशेष अवसरों पर गांव में भव्य पूजा और उत्सव का आयोजन किया जाता है। गांव के बुजुर्ग भगवान शनि की कहानियां और उनके चमत्कारों को
नई पीढ़ी को सुनाते हैं, जिससे यह परंपरा और विश्वास पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। शनि शिंगणापुर का यह अनोखा विश्वास और भगवान शनि की सतर्क निगाहें गांव को एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित स्थान बनाती हैं, जहां हर कोई मिलजुल कर रहता है। इस परंपरा की शुरुआत एक किंवदंती में छिपी है। यह कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है और आज भी इसे बड़े आदर और श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। कहते हैं कि सदियों पहले एक चरवाहे को अपनी भेड़ों को चराते समय एक भारी काला पत्थर मिला। यह पत्थर साधारण नहीं था, बल्कि उसमें एक अद्भुत शक्ति थी। जब उसने अपने डंडे से उसे छुआ तो उसमें से खून बहने लगा। यह दृश्य देखकर चरवाहा बहुत डर गया और उसे समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। चरवाहा बहुत डर गया और उसने गांव के बुजुर्गों से मार्गदर्शन मांगा। बुजुर्गों ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसे सांत्वना दी। बुजुर्गों ने अपने धर्म ग्रंथों से सलाह ली। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों में इस घटना का उल्लेख खोजने की कोशिश की। उन्हें एहसास हुआ कि काला पत्थर भगवान शनि का ही एक रूप है। यह जानकर गांव में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ। उस रात भगवान शनि एक ग्रामीण के सपने में आए। उन्होंने ग्रामीण को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने घोषणा की कि काला पत्थर उनका अपना रूप है। यह सुनकर ग्रामीण ने अपने सपने को सभी के साथ साझा किया। उन्होंने गांव को किसी भी नुकसान से बचाने का वादा किया। भगवान शनि ने कहा कि वे हमेशा गांव की रक्षा करेंगे। हालांकि भगवान शनि की एक शर्त थी। उन्होंने ग्रामीणों से एक विशेष अनुरोध किया। उन्होंने ग्रामीणों से उनके सभी कार्यों को देखने की अनुमति मांगी। यह एक अनोखी शर्त थी, लेकिन ग्रामीणों ने इसे स्वीकार कर लिया। वह चाहते थे कि वे ईमानदारी और पारदर्शिता से रहें। भगवान शनि ने कहा कि यह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने अपने कर्मों को छिपाने के लिए कोई दरवाजे या छतें बनाई तो उनकी सुरक्षा गायब हो जाएगी। इस प्रकार गांव में कोई भी घर दरवाजों या छतों के बिना ही बनाया गया और यह परंपरा आज भी जारी है। भरोसे की जिंदगी। भगवान शनि के आदेश से ग्रामीण स्तब्ध रह गए। उन्होंने उनकी बात मानने का फैसला किया। उन्होंने काले पत्थर के चारों ओर एक मंदिर का निर्माण किया, जिससे यह उनके गांव का केंद्र बिंदु बन गया। और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे अपने घरों या दुकानों में कभी दरवाजे नहीं बनवाएंगे। यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। आज भी नए घर और इमारतें बिना दरवाजों के बनाई जाती हैं। ग्रामीणों का मानना है कि उनका खुलापन भगवान शनि में उनके विश्वास का प्रमाण है। यह ईमानदार और पारदर्शी जीवन जीने का भी एक संदेश है। ग्रामीणों का दावा है कि शनि शिंगणापुर में आज तक कभी चोरी नहीं हुई। वे इसका श्रेय भगवान शनि की सुरक्षा को देते हैं। उनका मानना है कि जो कोई भी चोरी या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे देवता के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। हर कोने में आस्था। शनि शिंगणापुर में जीवन सरल और शांतिपूर्ण है। दरवाजों की अनुपस्थिति समुदाय की एक अनोखी भावना पैदा करती है। लोग एक दूसरे के घरों में बेरोक टोक आते जाते हैं। ग्रामीणों के बीच विश्वास की भावना प्रबल होती है। बच्चे खुले आंगनों में खेलते हैं। महिलाएं अपने दैनिक कार्यों के दौरान पड़ोसियों के साथ बातचीत करती हैं। किसान अपने औजार और उपकरण खेतों में बिना रखवाली के छोड़ देते हैं। यहां तक कि स्थानीय बाजार भी बिना किसी चोरी के डर के चलता है। पर्यटक अक्सर ग्रामीणों की अटूट आस्था को देखकर चकित रह जाते हैं। वे इसे उनकी आंखों में देखते हैं, उनकी आवाजों में सुनते हैं और इसे शनि शिंगणापुर की हवा में महसूस करते हैं। भगवान शनि पर ग्रामीणों का भरोसा केवल विश्वास नहीं है, बल्कि यह उनके जीवन जीने का तरीका है। शनि शिंगणापुर का दिल। गांव के बीचों बीच भव्य शनि मंदिर है। इसमें वह पवित्र काला पत्थर है
जिसे स्वयं भगवान शनि का अवतार माना जाता है। मंदिर पूरे दिन गतिविधियों का केंद्र बना रहता है। दूर दूर से श्रद्धालु भगवान शनि के दर्शन करने आते हैं। वे प्रार्थना करते हैं, तेल के दीपक जलाते हैं और उनका आशीर्वाद लेने के लिए अनुष्ठान करते हैं। शनिवार का दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है और इस दिन मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। शनि शिंगणापुर के ग्रामीण बहुत धार्मिक हैं। उनका मानना है कि उनका जीवन न्याय और कर्म के भगवान शनि के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है। उनकी आस्था केवल कर्मकांड की बात नहीं है, यह उनके दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर बहुत ज्यादा पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।